उत्तर विधानसभा में पहली बार साल 1977 में चुनाव हुए थे, जब हामिद कुरैशी जनता पार्टी से विधायक चुने गए थे। इसके बाद साल 1980 में रसूल अहमद सिद्दीकी कांग्रेस से विधायक बने। 1990 में आरिफ अकील पहली बार उत्तर विधानसभा से निर्दलीय विधायक बने। 1993 में बीजेपी के रमेश शर्मा ने अकील को हरा दिया था, लेकिन इसके बाद से तो मानो उत्तर विधानसभा आरिफ अकील का गढ़ ही बन गई। साल 1998 से लेकर 2018 तक के चुनाव में इस सीट पर अकील का ही दबदबा चला आ रहा है। यूं तो इस विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही कब्जा रहा है, लेकिन बीते 25 सालों से तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील का गढ़ सा बन गया है। साल 1988 से लगातार वे कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनते आ रहे हैं। भोपाल की उत्तर विधानसभा में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्ग के मतदाता रहते हैं। प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील के इस गढ़ को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों के प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील के इस गढ़ को भेद नहीं पाई। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पूर्व मेयर आलोक शर्मा, हिंदूवादी नेता रामेश्वर शर्मा सहित मुस्लिम प्रत्याशियों को भी आजमा चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिल सकी। इस बार फिर बीजेपी ने आलोक शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो आरिफ अकील की खराब सेहत की वजह से अपने पुत्र आतिफ अकील के लिए टिकट मांग रहे हैं। 2018 विधानसभा चुनाव परिणाम। उम्मीदवार आरिफ अकील, पार्टी कांग्रेस, मत 90,403, मत प्रतिशत 58.77%। उम्मीदवार फातिमा रसूल सिद्दीकी, पार्टी बीजेपी, मत 55,546, मत प्रतिशत 36.11%। शुभम आर्य, पार्टी निर्दलीय, मत 4,491, मत प्रतिशत 2.92%। आंकड़े बाजी। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,37,717 है, जिनमें 1,17,052 महिला मतदाता, जबकि 1,20,654 पुरुष और 11 अन्य मतदाता शामिल हैं। भोपाल की उत्तर विधानसभा में 49% हिंदू और 51% मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाताओं का ज्यादातर झुकाव कांग्रेस की तरफ ही रहता है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर विधानसभा कांग्रेस के इस गढ़ को भेद पाने में मुश्किलों का सामना कर रही है। आरिफ अकील को शेरे भोपाल के नाम से भी जाना जाता है। 1972 में एक सक्रिय छात्र नेता के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। उन्हें 1977 में सैफिया कॉलेज छात्र समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उसी साल उन्हें मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस और NSUI के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्होंने 1990 में 9वें विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हसनत सिद्दीकी को हराकर एक स्वतंत्र विधायक के रूप में अपना पहला विधायक चुनाव जीता। वे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। दावेदार की पृष्ठभूमि। आलोक शर्मा, भोपाल उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व महापौर हैं। आलोक शर्मा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं। वो उत्तर विधानसभा में काफी सक्रिय हैं। उन्होंने एक बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अधूरे वायदे। पेयजल की दिक्कत, ट्रैफिक जाम की समस्या के अलावा गैस पीड़ितों के मोहल्ले में तो बुनियादी सुविधाएं भी मयस्सर नहीं है। अकील अपनी सराय में जन चौपाल भी लगाते हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र के हालात ये हैं कि भोपाल टॉकीज चौराहा, सिंधी कॉलोनी, DIG बंगला चौराहा और बस स्टैंड जैसी जगहों पर लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। आरिफ नगर, कबीरपुरा, कोहे फिजा, रामनगर, संजय नगर, बाग मुफ्ती साहब और शहीद नगर में गर्मियों में पेयजल संकट की समस्या बेहद गंभीर हो जाती है। गर्मी के बाद बरसात आते ही नालों का गंदा पानी घरों, मोहल्लों और दुकानों में घुस जाता है। लगातार मांग करने के बावजूद ना तो नालों की सफाई हुई है और ना ही इनकी ऊंचाई बढ़ाई गई है। गैस पीड़ित कॉलोनियों में तो स्थिति भयावह है। लोगों को पानी, साफ सफाई और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं भी नहीं मिल पा रही हैं। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।